नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष वाईकर। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और आज ही के लेक्चर में हम लोग डी मूवियस थ्योरम भी देखेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी देखेंगे। ठीक है, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पोलर फॉर्म क्या होता है बताया था। तो जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दिस इज माई पोलर फॉर्म, वेर आर इज मॉडुलस। उसका वैल्यू क्या होता है, इफ जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, देन आर का वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा होगा टैन इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ठीक है, तो समहाउ मैं किसी स्पेशल थ्योरम से या फिर डेरिवेटिव से भी मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू ई रेस टू आई थीटा। जब मैं डेरिवेटिव का पार्ट लूँगा तो उस टाइम पे मैं ये आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस, फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल्स टू ई रेस टू आई थीटा। देन मैं जेड को आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ई रेस टू आई थीटा। तो दिस इज माई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, ठीक है, अभी देखते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगर मेरा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन इक्वल्स टू आर वन कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन, उसको मैं आर वन ई रेस टू थीटा वन भी बोल सकता हूँ, और जेड टू इक्वल्स टू आर टू कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू, उसको मैं आर टू ई रेस टू आई थीटा टू भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे जेड वन इंटू जेड टू करना है तो सिंपल है, जो मॉडुलस रहेगा आर रहेगा उसका मल्टीप्लीकेशन करने का आर वन इंटू आर टू। ठीक है, और अगर मुझे डिवीजन करना है तो डिवीजन का भी साथ साथ में देख लेते, देखो जेड वन अपॉन जेड टू। अगर मल्टीप्लीकेशन करना है तो मॉडुलस का मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन करना है तो मॉडुलस का डिवीजन इंटू, और जो आर्गुमेंट है उसका एडिशन, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, राइट। और अगर इसी को मुझे ई रेस्टू के फॉर्मेट में लिखना है तो आर वन इंटू आर टू, मॉडुलस का मल्टीप्लीकेशन और आर्गुमेंट का एडिशन, इजी है। और डिवीजन में क्या है, डिवीजन में सिंपल है, डिवाइड करो और जो भी आर्गुमेंट है उसका सब्ट्रैक्शन, कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक है, और अगर इसी को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करूँ तो आर वन अपॉन आर टू ई रेस टू आई थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं डी मूवियस थ्योरम। तो डी मूवियस थ्योरम आया क्यों, क्योंकि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर निकालना है, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर रेस टू एनी पावर एन, इफ आई कंसिडर इट एज एन, तो अगर मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का nth पावर निकालना है तो उसके लिए डी मूवियस थ्योरम यूज़ होता है। ठीक है, तो डी मूवियस थ्योरम क्या बोलता है, देखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू एन है, तो जो पावर वाला एन रहेगा वो थीटा के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो मैं इसको कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा लिखता हूँ, समझो। तो ये डी मूवियस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर इस टर्म में रेस टू एन है तो एन एंगल के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो इस हिसाब से जेड रेस टू एन का वैल्यू क्या आएगा मेरा, देखो आर रेस टू एन इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू एन। तो यूजिंग दिस वी कैन राइट इट एज आर रेस टू एन इक्वल्स टू कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, साइन एन थीटा। तो इससे मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मेरा ऐसा रहेगा कॉस पाई बाय थ्री प्लस आई साइन पाई बाय थ्री, अगर इसका मुझे
सिक्स्थ पावर निकालना है। तो इसको मैं यूजिंग डी मूवियस थ्योरम कैसे सिंप्लीफाइड करूँगा, कॉस 6π/3 प्लस आई साइन 6π/3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6, तो कॉस 2π प्लस आई साइन 2π, समझा। तो मैंने डी मूवियस थ्योरम से इसको सिंप्लीफाइड भी किया। ओके, नोट डाउन कर लो ऑल द थिंग्स। दैट्स इट फॉर द टूडेज लेक्चर। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ दिस वीडियो रियली हेल्प्स यू आउट, देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।